Welcome to CR International School online classes. How are you student? I think everyone is fine there. Take care yourself, beta. अपने आप को सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मास्क लगा कर रखिए और बार बार हैंड सैनिटाइज और हैंड वॉश करते रहिए. ओके बेटा, क्लास कौन सी है आपकी क्लास? फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम? इंग्लिश. इंग्लिश में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है. क्या है इस लेसन का नाम? अ लिटिल पूल मीन्स एक छोटा तालाब. इसमें हमने पूरा लेसन की रीडिंग देखी, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब कुछ देखा. आज हम इसी लेसन की लास्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर बी, जो कि कौन से पेज पे है? पेज नंबर 9. कौन सा पेज नंबर है ये? पेज नंबर 9. ओके बेटा, आज हम पेज नंबर 9 पर एक्सरसाइज नंबर बी देख रहे हैं. क्या है इस एक्सरसाइज में? सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए अपनी अपनी इंग्लिश की बुक निकालेंगे और मैम के साथ साथ इस वर्क को करेंगे. ओके बेटा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. ओपन पेज नंबर 9. मैम रीड कर रही है, मैम के साथ साथ आप रीडिंग करेंगे. F I L L फिल, I N इन, T H द, B L A N K S ब्लैंक्स, W I T H विद, H A S हैज, और H A V E हैव. आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसमें has या have इन दोनों में से चूज करके आपने लिखना है. ठीक है, पर कैसे चूज करोगे आप? इसका आपको कुछ नियम तो पता होना चाहिए ना कि has कहाँ यूज होगा, have कहाँ यूज होगा. कहीं पर भी थोड़ा आप यूज कर दोगे, तो उसके लिए हमें इसका रूल देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. देखिए, has जो है बेटा, has का यूज कहाँ होता है? आप इस चीज को देखिए, हैज का यूज कहां होता है? जब भी कोई भी क्या पर्सन, यानी कोई भी इंसान हो वो, ठीक है, यानी पर्सन जिसे पर्सन बोला जाता है, पर्सन में कोई भी लोग, ठीक है, एनिमल यानी जानवर हो, प्लेस यानी जगह हो, या थिंग यानी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, पर्सन, वस्तु, एनिमल, पर्सन, प्लेस या थिंग, कोई भी, कितनी हो? वन. कितनी हो? वन. तो क्या यूज होता है? हैज. क्या यूज होता है? हैज. क्या यूज होता है? हैज. और हैव कब यूज होता है? हैव जब कोई भी पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस, यानी पर्सन मीन्स इंसान, कोई भी इंसान, औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है, पर्सन में कोई भी हो सकता है, ठीक है. एनिमल, एनिमल्स मीन जानवर, कोई भी जानवर हो सकता है. प्लेस यानी जगह, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, मुंबई, कुछ भी हो सकता है, रेवाड़ी, बावल, कुछ भी हो सकता है. क्या? कुछ भी. प्लेस. थिंक यानी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती. ये जो चीजें हैं, ये कितनी हो? एक. ये तो हैज एक के लिए है. ये एक से ज्यादा यानी दो या दो से ज्यादा हो तो क्या यूज होता है? हैव. एक है तो हैज, एक से ज्यादा है तो हैव, ठीक है. बट आई और यू, आई और यू है तो हमेशा इसके साथ में क्या लगेगा? हैव. इस बात का आपने ध्यान रखना है. ओके, इस बात का ध्यान रखना है. आई और यू है तो आई हैव लगा देना है. और हैव कब यूज होगा? जब एक से ज्यादा है. और हैज कब यूज होगा? जब एक है, ठीक है. अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कैसे, ठीक है. अब देखो, कौन है ये? आई एस एच यू, इशू. ये किसी बच्चे का नाम है या बड़े का नाम है? पर किसका नाम है? किसी का नाम है. ये कितने हैं? इशू एक है, एक का नाम है, ठीक है. डैश एम एन वाई मैनी, मैनी मीन्स बहुत, जे ई एन जिन, पी ए एन टी एस पेंस. इशू डैश मैनी जींस, जीन पैंट, जीन पैंट है इशू के पास में बहुत सारी. तो यहां पर क्या आएगा? इशू कितने हैं?
कितने हैं? एक है, यानी ये कौन है? पर्सन नेम है, इंसान का नाम है। तो कितना है ये? वन। तो वन होगा तो क्या यूज करेंगे? मैंने क्या बताया था? हैज। क्या यूज होगा? हैज। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? इशू हैज मेनी जीन पैंट, यानी इशू के पास मेनी जींस पैंट, यानी इशू के पास बहुत सारी जींस पैंट है। ओके, इसका क्या मतलब होता है? हैज और हैव का है, पास में है या है, ये मतलब होता है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या लिखा। आई डैश अ ब्यूटीफुल टॉय गन। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। टॉय गन, टॉय मीन्स खिलौना, गन मीन्स बंदूक। बंदूक जो खिलौने वाली बंदूक है मेरे पास है, कैसी है? ब्यूटीफुल है। अब ये जो आई है, मैंने क्या बताया था आपको? आई या यू, उसके साथ में क्या लगता है? हैव। क्या लगता है? हैव। तो आई के साथ में यहां पर क्या लगेगा? हैव। आई हैव अ ब्यूटीफुल टॉय गन, मेरे पास एक टॉय गन है। क्या है? टॉय गन है। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखो ही कब यूज होता है? ही कब यूज होता है? शी कब यूज होता है? ही तब यूज होता है वन बॉय, जैसे रोहन। रोहन इज अ गुड बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय। अब मैंने रोहन के लिए ही यूज किया, रोहन कितना है? एक ही है, तो ये ही किसके लिए यूज हुआ? वन बट बॉय। अब ये वन यहीं से हमें शो हो रहा है, ये वन है। डैश मेनी हाउसेस, मेनी मीन्स बहुत, हाउसेस मीन्स घर। ही डैश मेनी हाउसेस, अब ही कितने हैं? वन है, तो वन के साथ में क्या यूज होगा? हैज। क्या यूज होगा? हैज। ही हैज मेनी हाउसेस, उसके पास बहुत सारे घर है। अब क्या है? माय फ्रेंड, फ्रेंड कितने हैं? कितने हैं? वन है, क्योंकि अगर ऐसे एस लगा होता तो क्या हो जाते? फ्रेंड्स, यानी एक से ज्यादा हो जाते। यहां पर क्या शो हो रहा है? कितने फ्रेंड है? वन फ्रेंड है। माय फ्रेंड डैश मैनी पेंसिल्स, मेरे फ्रेंड के पास में बहुत सारी पेंसिल है। माय फ्रेंड, अब बताओ फ्रेंड कितने हैं? वन है, तो क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? हैज। क्या यूज होगा? हैज। तो क्या बन गया? माय फ्रेंड हैज मैनी पेंसिल्स, मेरे फ्रेंड के पास में बहुत सारी पेंसिल्स है। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, हैज कब यूज होगा? जब कुछ एक है। ठीक है, हैव कब यूज होगा? जब एक से ज्यादा है, यानी दो दो से ज्यादा है। और आई और यू के साथ में क्या लगेगा? हैव लगेगा। इस रूल को फॉलो करके आपने ये जो एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करना है, और सभी बच्चों ने इस वर्क को ब्यूटीफुली करना है, और मैम को चेकिंग के लिए वर्क भी सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बेटा, टेक केयर।